गाइस मैं हूं अमित। गाइस आप में से ज्यादातर लोग प्लेन के अंदर हवाई जहाज के अंदर तो बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग एक हवाई जहाज के ऊपर बैठे हैं या फिर हवाई जहाज के पंख पर बैठे हैं? नहीं बैठे होंगे। लेकिन गाइस फिलहाल मैं बैठा हुआ हूं एक हवाई जहाज के पंख के ऊपर। जी हाँ गाइस, ये जो है जहाज का पंख है, इनफैक्ट एक नहीं यहाँ पर दो पंख है और मैं इसी के ऊपर फिलहाल बैठा हुआ था। गाइस एरोप्लेन जो होता है उसके अंदर बैठ करके तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्लेन दिखाने वाले हैं जो कि हवा में तो नहीं उड़ रहा लेकिन जमीन पर रखा हुआ है। ये तो है उसके पंख। और गाइस प्लेन जो है वो जितना इमेजिनेशंस में सोचते हैं या फिर जितना फोटोज में दिखता है उससे कहीं ज्यादा जाइगेंटिक साइज का होता है, बहुत बड़े साइज का होता है। ये तो इसके पंख हैं, देखो कहां जाकर के तो पंख हैंड हो रहे हैं। तो गाइस आज हम आपको दिखाने वाले एक सचमुच का असली का एरोप्लेन। जी हाँ बिल्कुल असली का, एकदम 100% रियल प्लेन जो कि फिलहाल हमारे पास में है। ये तो है पंख और प्लेन जो है वो गाइस खड़ा हुआ है यहां पर। ये है गाइस एयर इंडिया का प्लेन जो कि फिलहाल फ्लाइट से तो रिटायर हो चुका है और ये हमको मिल गया है यहां पर खड़ा हुआ। तो गाइज आज आपको दिखाएंगे जो प्लेन है वो अंदर से कैसा दिखता है, कैसे उसके गेट वेट खुलते हैं, अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक नहीं यहाँ पर कई सारी प्लेन्स हैं और जो प्लेन के अंदर जो चीजें होती हैं, जैसे जो पायलट का केबिन होता है ना गाइज, वो ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होता, फोटोज में ही देखा होता है क्योंकि पायलट के केबिन के अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं होती। लेकिन आज हम जाएंगे गाइज, तुम्हारा भाई जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग तो बस वीडियो के लिए जो है लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। गाइस जो एरोप्लेन हम आज आपको दिखा रहे हैं वो है एयरबस A320, जो कि अगर बात करें कितने रुपए का आता है तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा आता है। नया जो प्लेन है वो तो गाइस लगभग 600, 700 या फिर 800 करोड़ के रेंज के बीच में आता है। वो डिपेंड करता है कि अंदर क्या क्या ऑप्शन चाहिए, लेकिन आप सोचो एवरेज भी अगर 700 करोड़ भी आप मान के चलो तो कितना ज़्यादा होता है, 700 करोड़ का तो एक व्हीकल आता है। यहाँ पर जो पंख हो भले या फिर बॉडी हो, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। जो ज़्यादातर मटेरियल यूज़ होता है वो होता है एल्यूमिनियम का, हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम का। ये यहाँ पर जो भी आपको पंखड़ियाँ जो दिख रही हैं या फिर आपको प्लेन की भी जो बॉडी दिखेगी ये पूरी मेटल की बनी है, लेकिन इसमें लोहे का यूज़ नहीं होता क्योंकि जो लोहा होता है वो बहुत भारी होता है, उसको लेके प्लेन को उड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइस चलो आपको जो है प्लेन की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये एल्यूमिनियम की बनी हुई हैं और यहाँ पर है गाइस प्लेन जिसके ऊपर यहां लिखा हुआ है एयर इंडिया। और आप लोग देख सकते हो कि इसका जो साइज है वो कितना बड़ा है भाई। यहां पर जो हमारा फेवरेट इंडिया का जो तिरंगा है वो बना हुआ है। और गाइस ये जो है बहुत ही सुकून दे रहा है, क्या बात है। मैं इसको छू तो नहीं पाया क्योंकि बहुत ऊंचा है, लेकिन आप लोग प्लेन का साइज देखो गाइस। और गाइस ये जो है ना एक रियल वाला प्लेन है। जो कोई सोच रहा है ना कि ये बनाया हुआ है या फिर ये सीमेंट का बनाया हुआ है, इस पे पेंट किया हुआ है, जी नहीं, ये असली का सच्ची मुच्ची वाला ही प्लेन है जो कि फिलहाल सर्विस से रिटायर्ड है। बस इतना फर्क है, वही 700-800 करोड़ वाला ही प्लेन है जो असली में आता है ना। तो देखो आप लोग, और वो जो मैंने आपको शुरू में इसके पंख दिखाए थे वो यहां से खोले हुए हैं। यहां पर यार एक तो इतना बड़ा है, भागना पड़ता है। ये जो जगह है ना, यहाँ से जो पंख है उनको हटा लिया गया है। और इसका रीज़न ये है कि जब इसको कहीं ले जाया जाता है तो ऑब्वियसली हाईवे के ऊपर थोड़ी लेके जाएंगे, तो इसको काट करके ये अलग ट्रक में जाता है। जो पंख होते हैं एक एक पंख वो अलग ट्रक में जाते हैं, तब ये लोड होकर के जाता है। और आप लोग देखो कितना लंबा है भाई, A320 लिखा हुआ है, कितनी सारी इसमें खिड़कियाँ हैं भाई, सब क्या बताएं। और ये देखो, ये जो है गाइस, देखो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दूंगा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्या चीज़ है यहाँ पे, एक मीटर लगा हुआ, आप लोग देख पर इसको क्लोज में अगर देखोगे, एक सुई है इसके अंदर जो कि ऐसे घूमती है। ये कुछ
जैसा कंप्रेशर जैसी चीज़ होती है ना वो लग रही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, यहाँ पर कुछ बिजली बिजली का एक वो है जिसके अंदर कोई पिन वगैरह लग सकती है। और ये है गाइस, मुझे लगता है व्हील्स वाला कंपार्टमेंट है ना, जिसमें से पहिए निकलते हैं। गाइस मैं आपको सही बताऊं तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया ये फ्यूल वाली जगह है या पहिए वाली जगह है, लेकिन वाओ गाइस देख रहे हो ये चीज़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग देखो कि यहाँ पर क्या क्या है, ओहो बहुत सारे पाइप्स हैं और सारे के सारे ओब्वियसली एल्यूमिनियम के ये बने होंगे। और भाई यहाँ पे एक पाइप जो है वो भी लटका हुआ है, ये फ्यूल के लिए किस चीज़ के लिए मुझे नहीं पता। और यहाँ पर गाइज मैं फिलहाल प्लेन को क्रॉस करके दूसरे साइड आ चुका, देख के आना। और आप लोग देखो इस साइड से, ओ वाह गाइज जो प्लेन है वो दिख रहा है पूरा नीचे से। और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है ये कितना लंबा है, पीछे यहाँ जो है ये खुला हुआ भी है। अब ये क्यों खुला हुआ है मुझे नहीं पता। फ्लाइट प्रो रेड गाइस बहुत कुछ लिखा हुआ, पता नहीं उल्टा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये रहा गाइस मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिख ऐसा रहा है जैसे हमारी गाड़ी के अंदर जब तेल भरते हैं ना तो वो वाली ऐसे ही जो खुलता है ना फ्यूल टैंक, उसके जैसा लग रहा है। और देखो इसको एक बार आपको मैं बजा के दिखाता हूँ, सॉलिड मेटल है एकदम। जब प्लेन हवा में उड़ता था तो ठीक है, लेकिन जब चढ़ता है या उतरता है तो गाइस पहियों पे ही चलना पड़ता है, जमीन पे तो यहाँ पर जो टायर्स है ना प्लेन के वो है। और गाइस मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एयरप्लेन के टायर्स को टच कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे इनके साइज का जो है वो अंदाजा लग रहा है। इसमें दो टायर्स है, ये बीच का एक्सेल है। और क्या बात है गाइस, और ये तब निकलते हैं जब प्लेन एकदम रनवे के पास में होता है उतरने के लिए चलने के लिए। और गाइस आपको एक और चीज दिखाता हूँ प्लेन के अंदर जाने से पहले, बहुत ही मजेदार। यहाँ पर और प्लेन्स भी खड़े हुए हैं, दो यहाँ पर छोटे प्लेन्स भी हैं, वो तो बड़ा वाला है एक एयरबस का A320 है, लेकिन यहाँ पर दो और प्लेन्स भी हैं। आप लोग देखो यार ये भी मस्त है, इसमें जो है कम सवारी आती है उसके कंपेरिजन में। ये है गाइस एक प्लेन की हेडलाइट, देख लो गाइस प्लेन के अंदर भी जो है लाइट होती है। चलो गाइस इसके अंदर चलते हैं, पहले आपको इसके अंदर का नजारा दिखाते हैं। ये भाई खुद को खोलना पड़ेगा यहाँ पे प्लेन का गेट, यहाँ पर कोई एयर होस्टेस हमको नहीं मिलेगी खोलने के लिए। और मैं आ गया हूँ गाइस फिलहाल इस प्लेन के अंदर। गाइस ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर, ये जो सारे प्लेन्स खड़े हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है स्क्रैप नहीं है, ये जो है कबाड़ा नहीं है, ठीक है, ये सब काम की चीज़ें हैं। इनके अंदर जो है रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं, इसके अंदर आप ऑफिस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं प्लेन के अंदर। अब भाई मान लो किसी के दिमाग में आ गया कि मुझे तो प्लेन के अंदर जो है कोई होटल बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, ऑफिस बनाना है, तो वो किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग फिलहाल प्लेन के अंदर आ चुके, बार पीछे जाके दिखाएंगे। गाइज जो प्लेन है आप उसका साइज देख सकते हैं, और ये तो छोटा वाला है भाई मैं फिलहाल पीछे खड़ा हूं और मेरे से बहुत दूरी पर जो है आप लोग वहां हो। यहां पर फिलहाल मैं एक ऐसे प्लेन के अंदर चल रहा हूं जो कि जमीन पर खड़ा हुआ है, उड़ तो नहीं रहा है, लेकिन प्लेन में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है यहाँ पे। चलो ये है प्लेन का पायलट वाला केबिन जिससे प्लेन उड़ता है, जो कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा लेकिन आज हम दिखा रहे हैं। आ जाओ गाइस, गाइस वेलकम टू द पायलट केबिन ऑफ ए प्लेन। और मैं फिलहाल, मेरा पैर फंस गया यार और गाइस मैं फिलहाल पायलट के केबिन में बैठा हुआ हूं। जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है भाई, ये कितनी सारी सुई है इसमें, ये शायद स्पीड के लिए है, नहीं ये प्रेशर है, PSI है 0 से लेकर 600 तक प्रेशर है, ये RPM है कि इंजन कितने राउंड्स पर मिनट पे चल रहा है, और भाई मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर है, इधर पे गाइस फ्यूल का जो फ्लो है उसका ये मीटर है। अरे वाह गाइस ये सारे जो है ऊपर नीचे भी होते हैं, देखो ये देखो क्या बात है। तो गाइस मैं यहाँ पर प्लेन उड़ाता हूँ, चलो भाई टेक ऑफ करो। ये किया ये पूरा हवा में उड़ गया, ये मैं उतार देता हूँ गाइस, ये उतर गया प्लेन। ये है प्लेन का हैंडल, प्लेन का स्टीयरिंग। ओ ओ ओ गाइस फीलिंग तो ले ही लेते हैं आज। ये है भाई ब्रेक वगैरह, ये एक दबाने पर दूसरा ऊपर नीचे होता है। और देखो एक खास बात देखो, जब मैं इसको खींच रहा हूं तो वो भी इधर आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी जो पायलट है वो इसको चला सकता है। और आप लोग देखो, ओ वाओ
वो देखो इसको घुमा रहा हूँ तो वो भी घूम रहा है, एक साइड घूम रहा है, देखो गाइस वो वाला, देखो 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 देखो, आपका भाई आज जो है प्लेन उड़ा रहा है यहाँ पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ओ भाई क्या फीलिंग आ रही है, लेकिन यार एक चीज है, यहाँ पे बैठ के कुछ दिखता ही नहीं है कि रनवे कहाँ होगा, कहाँ क्या होगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा मेरे को, मेरे जैसे बंदे को, तो कि कहाँ उतारना है। उतार दू क्या, अरे उतार दू क्या, उतार दू, ये उतार दिया, तलक झटका लगा गाइस यहाँ पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज जो है पायलट का केबिन भी हमने आपको दिखा दिया है भाई, पसीने आ गए अंदर, तो आ जाओ बाहर। दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको और भी बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, कोई भी स्पॉन्सर्ड या पेड प्रमोशन नहीं है। ये जो प्लेन है ये यहाँ पर रेडी होने के लिए खड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि आपको ये दिखा देते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरीके से जो प्लेन है वो अंदर से दिखता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि जो कि नॉर्मली यार किसी को भी देखने को नहीं मिलती। तो गाइज अब चलते हैं प्लेन के अंदर, और आज गाइज प्लेन जो है वो आपका भाई उड़ाएगा। चलो जी। और गाइस बड़े ही ध्यान से यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा, एक प्लेन के ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे पुश हेयर लिखा हुआ है, तो गाइस इसको पुश करते हैं, पुश किया और इसको खींचता हूँ, कुछ पकड़ने के लिए नहीं है मेरे पास। और वाओ गाइस जो प्लेन का गेट है वो खुल चुका है, ये क्या बात है। तो गाइस अब हम प्लेन के अंदर एंटर कर रहे हैं बड़े ही ध्यान से बिना गिरे। तो गाइस फिलहाल मैं इस एरोप्लेन के अंदर आ चुका हूं। तो गाइस फिलहाल हम आ गए एक प्लेन के अंदर, और गाइस अभी जो है हम और आप एक ऐसे प्लेन के अंदर हैं जो कि भाई साहब सिर्फ हमारे लिए है यहाँ पर, और कोई भी नहीं। और आप देखो कितना लंबा जो है वो प्लेन है वहां तक, और ये है यार कमाल की चीज। पायलट का केबिन बाद में दिखाएंगे, पहले ये देखो गाइस यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो कि इस प्लेन के अंदर कितनी जगह है वहां से लेकर यहाँ तक। लेकिन जो सीटें हैं ना, जो एयरप्लेन की सीट्स हैं, वो अभी खोल के रख रखी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेन्स हैं इनके अंदर जो है ऑफिसेस बनते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, तो ये जो चेयर्स हैं ना कोई काम की नहीं है, चेयर्स को बाहर निकाल लिया जाएगा और इसके अंदर पूरा स्पेस बनेगा, ये जो है सामान रखने के लिए है। क्या बात है गाइस। और गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं पीछे वाली जगह पर, ये है इसमें वॉश बेसिन वगैरह है आप देख सकते हो प्लेन के अंदर, और उस साइड में जो है भाई साहब कुछ टॉयलेट वगैरह नीचे 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 नीचे, ये जो है टॉयलेट वगैरह यहाँ पर लग रही है। और ये है प्लेन का पीछे का कंपार्टमेंट जिसके अंदर बहुत सारे रैक्स बने हुए हैं जो कि शायद सामान वगैरह रखने के लिए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। इधर पे जो है ये एग्जिट है, एग्जिट लिखा है, लेकिन कैसा एग्जिट है ये तो मुझे नहीं पता, ये कहाँ से खुलेगा गाइज। यहाँ कुछ खींचने का है, आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं खींचूँ या नहीं खींचूँ, शायद गेट खुल जाएगा इसको खींचने पर, खोलूँ। तो गाइज ये मैंने इसको खोल दिया, और यहाँ पर जो हवाई जहाज का पीछे का गेट है वो खुल चुका है, क्या बात है। लेकिन गाइज नीचे कुछ भी नहीं है, देखो नीचे वैसे तो सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इससे आगे गया तो नीचे गिर जाऊँगा, लेकिन एकदम फ्रेश थी, एकदम मस्त सी हवा आ गई। पता नहीं कितने दिन बाद ये गेट खुला होगा, तो अब गेट को बंद कर देते हैं गाइस। और ये लो जी ये जो एयरक्राफ्ट का गेट है वो बंद हो गया, इसको इसको दबा दें क्या, किसको, अच्छा इसको, ओके। और ये जो है ये लॉक हो गया भाई, यहाँ पर मैं समझ गया, एयरक्राफ्ट का गेट खोलने के लिए पहले इसको हटाओ, इसको ऊपर करो और गाइस गेट खोल दो बेफिक्र। गाइस मैं तो प्रो बन गया भाई, वो पूरा गेट ही पीछे चला गया। जब बंद करना है तो इसको खींचो, इसको पकड़ के खींचना है, लेकिन जिससे हम खुद ना गिर जाएं। अरे तो लॉक हो गया यार वहीं पे, हाँ और नहीं खींच रहा ये तो। गाइस मुझे लगा मैं प्रो बन गया, लेकिन मैं तो प्रो नहीं बना, ये तो उधर ही फंस गया जाके। खाद्य सामग्री की संभाल के समय धूम्रपान ना करें, यहाँ पर जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये है गाइस एक ऑक्सीजन मास्क जो कि बाहर आ जाता है, ऊपर से लटक करके कहाँ से आता है, और इसमें जो है सांस लिया जा सकता है। भाई साहब यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं इसके अंदर से भी जो नज़ारा है देखा जा सकता है। और ये है भाई इसकी शेड, अगर रोशनी नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दो, लेकिन अगर चाहिए तो इसको कुछ इस तरीके से खोला जा सकता है। ये है एक
पायलट का केबिन, जिसके अंदर जब एयरपोर्ट पे होता है तो किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती। लेकिन फिलहाल भाई फिर से जो है मैं पायलट सीट पर बैठूंगा अब दूसरे प्लेन में। लेकिन यहाँ पर गाइज एक दुख की बात ये है कि वो हैंडल जो था ना वो नहीं है यार यहाँ पे। यहाँ पर जो है शायद इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ नोटबुक वगैरह है, क्विक रेफरेंस नोटबुक है यहाँ पे। अगर प्लेन उड़ते उड़ते कुछ इसमें कोई सिस्टम फेल हो जाए तो यहाँ पर उसका पूरा प्रोसीजर लिखा है कि कैसे उसको सही करना है। यहाँ पर जो है कुछ यार एक सुई सी है, इधर आओ एक बार देखो। यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ को नापने के लिए लेकिन कुछ तो है, और एक बटन भी है रेड कलर का। अभी कुछ इमरजेंसी के लिए क्या है नहीं पता। और यहाँ पर देखो भाई कितने सारे कंट्रोल्स हैं, कितने सारे बटन्स हैं, और सारे के सारे जो है उखड़ गए। ये वाला हाँ, ये दबाने के लिए, उखाड़ने के लिए, हाइड्रोलिक के लिए है, ये इंजन के लिए है यहाँ पे, और इस पे इग्निशन लिखा हुआ है, ये एपीयू के लिए है। पायलट के केबिन के अंदर जो अंदर वाली जगह है ना उसमें भी इतने सारे बटन्स हैं भाई। देखो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर बटन्स हैं जो कि घूमते हैं, आप देख सकते हो अलग अलग रीडिंग्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। अरे यार यो आगो, इसमें यहाँ पे एक बटन है भाई, अब समझ में आया है। और ये इसको दबा करके खुलेगा, और गाइज ये खुल गया, और यहाँ पर जो एरोप्लेन का फाटक है वो खुल गया। और भाई मैं फिलहाल इससे बाहर निकल गया हूँ यहाँ पे, क्या बात है। ओ वाओ गाइस, ये जो फीलिंग है हवाई जहाज के पायलट के केबिन में से बाहर देखने की, ये वास्तव में यकीन मानिए बहुत डिफरेंट है। देखो एक बार बाहर जो है वो सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, क्या बात है। और प्लेन जो है वो खड़े हुए दिख रहे हैं। तो गाइस आज का जो एक्सपीरियंस था वो वास्तव में बहुत ही डिफरेंट है, और एक प्लेन जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, उड़ता तो नहीं है, रिटायर्ड प्लेन है, क्या बात है यार, एक बिल्कुल नई चीज़ आज हमने देखी, और मेरा तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही यार। आप लोगों का गाइस इस चीज़ के लिए जो है लाइक करना तो ज़रूर से बनता है भाई, प्लीज़ इस वीडियो के लिए जो है लाइक ज़रूर से कर देना। इस वीडियो के ऊपर टारगेट रख रहे हैं सिर्फ 15 लाख लाइक्स का, यानी कि 1.5 मिलियन लाइक्स का। गाइस 15 लाख लाइक्स इस पर होने चाहिए तो हम आपको और भी मज़ेदार चीज़ें दिखाएंगे। तो आपके हाथ में गाइस सब कुछ, और यार मतलब एकदम डिफरेंस एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।